फर्स्ट टाइम स्कूल गया तो थोड़ा सा लग रहा है कि चलो हमारा भी बेटा स्कूल गया, खुद स्कूल भेज करके खुद रोते हैं। हम बोले थे स्कूल भेजो, खुद भेजो, हमको देख रहे हो रोते हुए, फोन लेके बैठे कहीं उसके स्कूल से कॉल ना आ जाए। झट से आपसे ले लेती है वो तुरंत। तब हम क्या किए, हम दीवार के पीछे छिप गए क्योंकि वो हमको देखता रोता है। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी, स्वागत करते हैं आपका अपने स्नेह ब्लॉग में। तो जी आज वह दिन आ गया है जब हमारा बेटा जो है स्कूल जा रहा है और अपने बेटे को हम जो है स्कूल ड्रॉप करने जा रहे हैं। जी हाँ, क्रियांश का एडमिशन हो गया है, स्कूल में करवा दिया है और अभी क्रियांश का जो एडमिशन है अभी हुआ है वह जो किड्स प्ले वाला होता है ना जी पार्ट, जो प्ले ग्रुप जिसको आप कहते हैं, तो उसी में क्रियांश का एडमिशन हुआ है, तो उसी में जाएगा। और उसका जो है टाइमिंग जो है सुबह सुबह ही है, तो जल्दी से जो है क्रियांश को तैयार करते हैं। क्रियांश को तैयार करके उसका सारा स्कूल बैग में कुछ नहीं रहने वाला है, बस खाली लंच बॉक्स और उसका पानी का बोतल और कुछ नहीं रहने वाला है। हाँ, और इसका डायरी एक रहेगा, शायद एक्टिविटी वाला है ना कुछ, तो वो लेकर के चलेंगे। हम भी बहुत एक्साइटेड है जी और उम्मीद करते हैं आपको आज का ब्लॉग जो है बहुत मजा आने वाला है। आखिर हमारा बेटा पहला दिन जो जाने वाला है अपने स्कूल। तो ये रहा जी क्रियांश के स्कूल बैग, जो किट मिला हुआ है क्रियांश का, तो वहाँ पर वो है ड्रेस, और ड्रेस में यह है एक टी शर्ट और यह है पैंट, बहुत ही प्यारा जैसा है। क्रियांश गया था ना तो सेम ऐसा ही टी शर्ट पहना था। हाँ हाँ, बहुत अच्छा लगा। बस इसमें फर्क यही है कि स्कूल का लोगो लगा हुआ है, लोगो लगा उसमें नहीं था। तो उस लोगो को हम अभी पब्लिक नहीं कर रहे हैं उस चीज को कि हम कौन से स्कूल में डाल रहे हैं अपनी प्राइवेसी और बच्चे की सेफ्टी के लिए। तो उम्मीद करते हैं जी आप लोगों को आज का जो है ब्लॉग बहुत मजा आने वाला है, तो आप लोग ब्लॉग से बने रहिएगा। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा लें। तो जी क्रियांश हमारा जो है नहाने वाला है, तो इसको जाकर के जल्दी से नहाए नहीं करवा देते हैं, और नहाने के बाद जो है इसको किया जाएगा तैयार और फिर जाएगा क्रियांश स्कूल। फिलहाल जो अभी शर्मा रहा है, शर्मा नहीं रहा, उसका आम पे उधर ध्यान, अभी आम पे ध्यान है। कोई बात नहीं, आम जो है तुम्हारा लंच बॉक्स में है, लेकर के जाना। भगवान भोलेनाथ को मैं प्रणाम करती हूँ, मेरा पोता स्कूल में अच्छा से टिक जाए। हम लोग भी बस वही सोच रहे हैं कि स्कूल जा तो रहा है, बस टिक जाए वहाँ पे। सबसे पहले अपने इष्ट भगवान भोलेनाथ, उसके बाद सभी समाज के सभी वर्ग, मेरे रिश्तेदार जो भी हैं, सब लोग भगवान से दुआ कीजिए क्रियांश स्कूल में अच्छा से रहे। लेकिन मुझे पता है कि ये टिक जाएगा, कि इसके चाचा को भी दिए थे तो दो दिन रोया, तीसरा दिन फिर रहने लगा वो। अच्छा, वैसे एक घंटे का ही है आज इसका, तो ये फिर वापस आ जाएगा। शुरुआत का जो पहला हफ्ता है वो एक घंटा ही रहेगा, धीरे धीरे करके आधा घंटा सब जो है टाइम बढ़ाया जाएगा, और फिर मैक्सिमम टाइम हो जाएगा 3.5 घंटे का। तो वह जब हो जाएगा फिर देखा जाएगा। नवीन कुमार बहुत खुशी व्यक्त कर रहा था फोन पर। अच्छा। कि मैं जान तो नहीं रहा था, लेकिन आभा का स्टेटस देखे तब हम उस पर भेजे हैं, तुमको फोन किए थे, वही मुश्किल था। कर हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हमें भी मामा जी बहुत सारा आशीर्वाद दिए। बच्चा प्ले ग्रुप में गया पढ़ने के लिए, उसका मामा भी पढ़ा था, उसका मामा नहीं उसका चाचा, वो पढ़ा रहा लखनऊ। भाई जी भाई जी पूरा अनुभव है, मुनुआ कैसे रो रहा था, तो भाई जी अभी उस दिन को याद करता होगा। लेकिन जो मुनु का भतीजा है वो आराम से जाने के लिए तैयार है, और हम बोले कि लगता है कि अगला पीढ़ी में सबको पढ़ेगा, खाली हम लोग थोड़ा अपना सोच बढ़िया रखें और सब कुछ अच्छा से समझ जाए परिस्थिति को, सभी बच्चे पढ़ेंगे। और यहाँ पे क्रियांश का है लंच बॉक्स तैयार हो गया, इसमें हमने दिया है एक सेब और ये आम का, क्योंकि अभी उसको जो पसंद है ना सिर्फ वही देंगे, बाद में उनको जो बोला जाएगा। और इधर एक क्रियांश का वाटर बोतल, क्योंकि अभी हमने भरा नहीं है, थोड़ी देर में भर देंगे, और इसको करके बंद करके रख देते हैं। मम्मी यहाँ बैठी भी है, हम बैठे हुए हैं कि मेरा पोता जा रहा है स्कूल, हमें तो उसे भी खुश हूँ। पहले नाती गया, उसके बाद पोती गई, उसके बाद पोता जा रहा है, अब अगले पोता पोती का इंतजार कर रहे हैं। तो क्रियांश सब तैयार हो गया है और चल रहे हैं भगवान की घर, तो वहाँ पर भगवान के आशीर्वाद लेते हैं, फिर चलेगा क्रियांश अपना स्कूल, है ना। अभी बाहर जाने के फिराक में। क्रियांश रेडी हो गया अपना स्कूल जाने के लिए, वहाँ उसकी बुआ देख रही है क्रियांश को। क्रियांश हेलो कर दो बुआ को, हेलो हेलो कर दो, बोलो मैं स्कूल जा रहा हूँ, बाय बाय, बाय बाय कर दीजिए, बाय 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 बाय। कौरा जल्दी चलो, चलो चलो, दादी यहाँ परेशान है, पोता को है कि कैसे हम जल्दी से चल, पोता को भागी जाए, गीत गावी ना, चलो सपना।
कहड़ाम जाए गाड़ी से जाओगे चलो ठीक से बैठा लीजिए उसको। तो क्रियांश चला गया स्कूल और फर्स्ट टाइम स्कूल गया तो थोड़ा सा लग रहा है कि चलो हमारा भी बेटा स्कूल गया। और क्रियांश के पापा तो कुछ ज़्यादा इमोशनल है, वो थोड़ा ज़्यादा इमोशनल हो गए हैं, लेकिन खुद ही स्कूल में दे के आए हैं और सब कोई कह रहा था कि अभी नहीं स्कूल में देते क्योंकि वो बहुत छोटा है, लेकिन इनको था कि नहीं टाइम हो चुका है 2 साल के बाद, क्योंकि उसको खेलने के लिए चाहिए कोई बच्चा जो कि यहाँ पे नहीं है, तो इस वजह से वो स्कूल में डाले और खुद ही रो रहे हैं। आंटी से बात कर रहे हैं, सबका कॉल एक बेकार है, खुद स्कूल भेज करके खुद रोते। कौन बोला था स्कूल भेजने आपको बताइए, हम बोले थे स्कूल भेजो, खुद भेजो, हमको देख रहे हो रोते हुए, हम रोते हैं आपके तरह है? हम भी नहीं रो रहे बस। अभी चुप हो गए, रो तो रहे थे तब से बैठ के, ये तब से फोन लेके बैठे कहीं उसके स्कूल से कॉल ना आ जाए, तब से इधर से उधर मंडरा रहे हैं, लेकिन वो रह जाएगा, आपको टेंशन लेने का कोई बात नहीं है, समझे, वो रह जाएगा, देखो नहीं वो रह ही जाएगा। कितना प्यारा लग रहा था, वो हाय बाय करके चला गया और यहाँ उसके पापा रोते हैं। वहाँ से गए ना स्कूल, तो स्कूल के आगे खड़े थे बाइक लेकर के, देख रहे थे कभी 10 मिनट तो और है, तो हम रुके रहेंगे स्कूल लेके, लेकिन वो आ गई जो वहाँ आया होती है, तो आया लेके उसको झट से हाथ से ले लेती है वो तुरंत, वो चीज उसको कि फर्स्ट डे कह कि आप बेफिक्र रहिए कोई दिक्कत नहीं है। तब हम क्या किए, हम दीवार के पीछे छिप गए क्योंकि वो हमको देखता रोता है, वो नहीं रोएगा, आपको लग रहा है कि रोएगा, वो नहीं रोएगा, आप रो रहे हो, वो नहीं रोएगा, समझे, वो देखना कितना प्यार से आ जाएगा, वो आना नहीं जाएगा। देखो कल तो ऐसे ही था, यहाँ मम्मी जो है पोता जाने का भरपूर फायदा उठा रही हैं, सोच रही हैं अपना साड़ी में फॉल लगा लें, पोता आएगा तो फॉल नहीं लगाने देगा, बार बार साड़ी खींच लेता है, लगाने नहीं देता है। हम जो है किसी को पैसे दे नहीं सकते हैं कि मुझे खुद आता है, मम्मी को सब कुछ आता है, इसलिए बरगद पूजा की हम अपना तैयारी कर रहे हैं साड़ी की, देख सकते हैं साड़ी कितनी खूबसूरत है, आप अपना ब्लाउज बना लेंगे, फिर दीदी का ब्लाउज बनाएंगे, फिर जिया भी बहू है नहीं बना देंगे बेचारी दुखी हो जाएगी। हमने बोला कि मम्मी आप बहुत कम टाइम है आप मत सिलिए, तो मम्मी बोली कि नहीं हम तुम्हारा ब्लाउज सिल लेंगे वो भी एकदम डिजाइनदार, बोले ठीक है फिर आप लोग को दिखाएंगे हम अपने बहू के लिए ब्लाउज कैसे, अपना तो बिल्कुल प्लेन बनाएंगे, आप जान सकते हैं कि मैं पहले पहनती थी अब नहीं पहनती, और ये साड़ी है हमारी, ये देख सकते हैं बहुत सुंदर साड़ी है, और मम्मी खुश हो रही है थोड़ी देर में पोता आ जाएगा। मम्मी एकदम फायदा उठा रही है पोता जाने का, समझे माँ, कि साड़ी में फॉल लगा लेते हैं लेकिन मम्मी को ही नहीं पता कि थोड़ी देर में पोता पहुंच जाएगा, समय कैसे टाइम पूरा पार हो गया, हो गया अब फॉल वाला काम, अब हम आगे जाने अपना पेटीकोट ब्लाउज की तैयारी करने, अब हमारे जीजा जी वकील साहब हैं, पहले पूरे घर के पूरे मालिक थे, लेकिन आजकल दीदी पहले नहीं बनी, लेकिन आजकल दीदी अपना सोच रही है वकील साहब को बिल्कुल भेज दे रिटायरमेंट में, क्योंकि अब दीदी अपने मालिक बनने की तैयारी कर रही है, लेकिन दीदी 10-15 मिनट बनती है फिर कहती है हमसे नहीं होगा, नहीं होगा, वकील साहब कहते हैं तुम्हारा लिखा पढ़ी के लिए तो मुंशी चाहिए, तो हम वही काम करते हैं, तुम ही सब काम करो। तो यहाँ पे जैसे ये वाला साबुन आया ना तो हम समझ गए इस बार माँ डैडी को डांट लगेगी, जब तक भागने की मेरी तैयारी होगा तब तक तुम रहोगे। जैसे ही साबुन आया हम बोले मम्मी को कि आज डैडी डांट सुनेंगे, बड़का साबुन आ गया। ये देखिए ये जो मैं साड़ी पहनूंगी आप सोच सकते हैं मैं कितनी खूबसूरत लगूंगी, वैसे भी आप बहुत खूबसूरत लगती हैं साड़ी में, बस नाइटी में मुझे अच्छी लगती है, थोड़ा बहुत मजाक कर लेते हैं बच्चे के साथ, थोड़ा सुंदर हो जाते हैं अपने मन से। तो अभी टाइम हो गया है जी क्रियांश के लाने का, क्रियांश का 1 घंटा लगभग बीत चुका है, हमें तो अभी तक कॉल नहीं आया हुआ है, लेकिन हम जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने कहा था कि 1 घंटे तक ही रखना है पहले बच्चे को, तो 1 घंटा उसका पूरा हो गया है, तो चलते हैं। तो क्रियांश जो है ड्रेस खोल नहीं रहा है, नहीं बोलता तू बेकार टेंशन लेता है, हां टाइट से तो रही है, हां नहीं अभी स्कूल नहीं जाना बेटा, खोल लीजिए ड्रेस। तो क्रियांश का पहला दिन तो स्कूल का हो गया जी, बहुत ज्यादा वहाँ पर एक्साइटेड था और बहुत खेल रहा था, और सभी लोग यहाँ पर रो रहे थे और क्रियांश जो है वहाँ पर मजे में खेल रहा था।
तो आज है क्रियांश के स्कूल का दूसरा दिन। क्रियांश को स्कूल जो है ड्रॉप कर चुके हैं, और जब पहले दिन उसको ले गए थे तो वहाँ पर कहा गया था कि एडमिशन के समय में है कि पहले हफ्ते जो है बच्चे को एक एक घंटे रखेंगे, और एक घंटे के बाद जो है टाइम का बढ़ाया जाएगा कि फिर अगले हफ्ते आधे घंटे और फिर अगले हफ्ते आधे घंटे और वो अच्छे से एडजस्ट बिल्कुल ताकि उसको एडजस्ट किया जा सके, और फिर उसका जो टाइम हो जाएगा प्रॉपर स्कूल का वह है 3.5 घंटा। लेकिन कल जब हम स्कूल गए तो वहाँ पर सभी टीचर ने कहा कि नहीं, यह जो है लग रहा है कि यह रह लेगा यहाँ पर, और अच्छे से खेल रहा था वहाँ पर, तो कहा गया कि आप जो है इसको नेक्स्ट डे से आप 2-2 घंटे रखिए, और 2 घंटे में जब प्रॉब्लम होगी अगर बीच में तो आपको कॉल कर दिया जाएगा, आप जा करके बच्चे को ला सकते हैं। तो अभी जो है 2 घंटे से 5 मिनट एक्स्ट्रा ही हो चुका है, और वहाँ पहुँचते पहुँचते 10 मिनट जो है हो जाएगा, लेकिन अभी तक कॉल नहीं आया है स्कूल से। तो भगवान दया से लग रहा है कि शायद वो एडजस्ट हो चुका है अभी 2 दिन के लिए, बाकी पता नहीं आगे तो कितना कितना दिन है। बहुत लोग कमेंट भी कर रहे थे कि अभी वो बहुत छोटा है तो अभी स्कूल में क्यों डाला आपने, तो वो स्कूल नहीं है, हम कहते हैं कि वो तो खेलने का जगह है जी, बस क्रियांश के साथ कोई एक भी बच्चा नहीं है जो उसके साथ खेले, तो वो दिन भर क्या करेगा, तो इस वजह से बिल्कुल जी घर का पहला बच्चा है वो, और वहाँ पर जब गया तो वहाँ पर कम से कम 20 बच्चे हैं क्लासरूम में, तो सभी के साथ खेलता है वो। तो क्रियांश को जी स्कूल से लेते ही आए, और स्कूल से जैसे ही लेते ही आए क्रियांश को लग गई थी बहुत ही तेज़ भूख, तो क्रियांश को जो है उसको जो है खाना खिला दिया गया, और खाना खाने के बाद जो है क्रियांश थोड़ा सा दूध पिया, दूध पीते ही जो सो गया। तो आज जो है स्कूल का बताते हैं जी आज कैसा एक्सपीरियंस रहा। आज जब गए तो लगभग हम लगता है कि 2 घंटे में हमको बुलाया गया था, लेकिन हम जो है 2 घंटे की जगह हम चले गए थे लगभग 15 मिनट बाद, सोचे कि थोड़ा और टेस्ट करते हैं क्योंकि कॉल नहीं आया था वहाँ स्कूल से। स्कूल से कहा गया है कि जब भी इस तरह का कोई भी सिचुएशन आएगा तो आपको तुरंत कॉल चला जाएगा जब भी रोने लगेगा। तो जब हम वहाँ पर गए तो वहाँ पर था बैठा हुआ कुछ बातचीत कर रहे थे वहाँ पर जो काउंसलर थे, उस काउंसलर से जब बात कर रहे थे उसी बीच में आई जो भी आया थी वहाँ पर कि वह थोड़ा रो रहा है, तो मतलब मेरे सामने ही रोना शुरू किया, और आज रिजल्ट ये निकला 2-2.25 घंटा ये रह सकता है, लेकिन पक्का हम कोशिश करेंगे कि कल से हम 2 घंटे में लेते आए इसको, और फिलहाल वो अच्छे से सो गया है, कुछ देर में उठेगा तब तक अपना काम सब निपटा लेते हैं।